Hello viewers, welcome to the YouTube channel of Uma Coaching. In this lecture, we are going to start a powerful branch of mathematics called linear algebra, which is a part of BSc Part 2 in the University of Allahabad. अच्छा, इस पेपर में जो हमें टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो हमने यहाँ पे नोट करके रखा है, वेक्टर स्पेसेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, बाइलिनियर फॉर्म्स एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। ये सारी बातें हमें इस पेपर में डिटेल में डिस्कस करना है। अच्छा, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वेक्टर स्पेस, इसको समझने के लिए हमें दो बातें समझनी होगी, ग्रुप एंड फील्ड। ग्रुप और फील्ड को हमें समझना होगा वेक्टर स्पेस को समझने के लिए। और अगर हम इन सब की बात करें, जैसे बात करें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, इनर प्रोडक्ट स्पेस की, और बाइलिनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म्स की, ये सब के सब तीनों जो हैं एक स्पेशल टाइप के मैपिंग हैं ऑन ए स्पेशल सेट। इसकी बात हम लोग तब कर पाएंगे जब हम लोग वेक्टर स्पेसेस को समझेंगे, और वेक्टर स्पेस को समझने के लिए हमें ग्रुप और फील्ड को समझना पड़ेगा। ग्रुप क्या होता है और फील्ड क्या होता है। अच्छा, फील्ड में इस पेपर में, लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में, जिस फील्ड पे हमें ज़्यादा फोकस करना है वो फील्ड है फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, फील्ड ऑफ रियल नंबर, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ZP। इन फील्ड पे, फील्ड ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन इस पेपर में, इस कोर्स में हमें सिर्फ ज़्यादातर इन फील्ड पे फोकस करना है, फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, फील्ड ऑफ रियल नंबर, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ZP। अच्छा, इन तीन सेट के बारे में आप पहले से जानते हो, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ZP के बारे में एज ए सेट आज हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ZP क्या होता है इसके बारे में अगर समझना है तो आप याद कीजिए, जब आपने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था, एक्चुअली रिलेशन पढ़ा था जब आपने, तो एक सेट का नाम आया होगा वहाँ पे, एक रिलेशन का नाम आया होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। कंसीडर, एक्चुअली क्या है कि हम लोग इस सेट को समझना चाह रहे हैं। ZP क्या है, एक्चुअली क्या है कि ये एक फाइनाइट ऑर्डर का फील्ड बनेगा। और अब हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर कोई भी पी यहाँ पे कोई प्राइम है, तो कोई भी प्राइम दिया जाए उस प्राइम के लिए, उस प्राइम के ऑर्डर का एक यूनिक फील्ड हमें मिलेगा जिसको हम लोग ZP बोलेंगे, ZP से डिनोट करेंगे। अच्छा, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा रिलेशन की बात हम लोग करेंगे। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ये कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है। कंसीडर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ इट्सेल्फ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ इट्सेल्फ, इसके जो मेंबर्स होंगे वो ऐसे होंगे एक्स कामा वाई, सच दैट एक्स एंड वाई बोथ आर मेंबर ऑफ एक्स। ओके, ये इसके मेंबर होंगे। अच्छा, एक्स क्रॉस एक्स का जो भी सबसेट लोगे वो क्या होगा, एक रिलेशन होगा ऑन द सेट कैपिटल एक्स। एनी सबसेट ए ऑफ एक्स क्रॉस एक्स इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन द सेट एक्स, ऑन सेट एक्स। एक्स क्रॉस एक्स के जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे, जो भी आप सबसेट लेते हो वो एक क्या होगा, रिलेशन होगा ऑन द सेट कैपिटल एक्स। ओके, अच्छा,
जैसे अगर हमने ये कहा कि R एक रिलेशन है ऑन द सेट X, इसका मतलब क्या है कि R एक सबसेट होगा X क्रॉस X का, एनी सबसेट ऑफ X क्रॉस X इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन द सेट कैपिटल X। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास की। एक्चुअली ये सब सारी बातें आपने एनालिसिस वाले पेपर में BSc पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है, और उसके बाद से आप जानते हो कि किसी भी सेट पे अगर आप एक रिलेशन डिफाइन करते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हो, तो हमें क्या मिलता है, इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर सकते हैं, और इससे हमें एक पार्टीशन भी मिलता है सेट कैपिटल एक्स का। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये मान लो कि R क्या है, एक रिलेशन है ऑन द सेट कैपिटल X। अब रिलेशन अगर सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो रिलेशन है वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। R एक रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो हम लोग कहेंगे कि जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, X रिलेटेड टू X फॉर एवरी X बिलोंग टू X, ईच मेंबर ऑफ X आर रिलेटेड बाई इट्सेल्फ, आर रिलेटेड विद इट्सेल्फ। ओके, X related to Y, this implies Y related to X. Transitive, X related to Y and Y related to Z, this implies X related to Z. अगर कोई relation reflexive, symmetric और transitive है, तो इस तरह के relation को हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो relation क्या है, एक equivalence relation है। और इसके बाद हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने कोई भी सेट लिया और सेट पे एक रिलेशन डिफाइन किया, और वो रिलेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर सकते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन, एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन, बी an equivalence relation on set X. Let A belong to capital X. A हमने एक member लिया, A की जो equivalence class होगी उसको हम लोग ऐसे denote करते हैं, A की equivalence class, और इसके equivalence class में capital X के member आएंगे, और कैपिटल एक्स के वो मेंबर्स आएंगे जो ए से रिलेटेड होंगे। कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू ए। यहाँ पे क्योंकि रिलेशन जो है सिमेट्रिक है, तो आप या एक्स रिलेटेड टू ए लिखो या ए रिलेटेड टू एक्स लिखो, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, एक इक्विवेलेंस क्लास में एक्स के वो मेंबर आएंगे जो ए से रिलेटेड होंगे। तो किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना होगा, जैसे आप एक इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, एक्स के उन एलिमेंट को कलेक्ट करोगे जो ए से रिलेटेड होंगे, उस कलेक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ओके, और ए की क्लास से डिनोट करेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। अच्छा, ये सब सारी बातें अगर आप समझ गए होंगे, तो आप जिस सेट के लिए सब सारे काम हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, जेड पी को एज ए सेट समझना चाह रहे हैं। फील्ड की बात हम लोग तब कर पाएंगे जब आप उसको एज ए सेट समझो। एक्चुअली हम लोग करने वाले क्या हैं कि सेट ऑफ इंटीजर पे एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, और वो रिलेशन क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और उससे जो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेज मिलेगी, उन सारे डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेज को कलेक्ट करके हम लोग एक सेट बनाएंगे, जिस सेट को जेड पी से डिनोट करेंगे। Consider set of integer z, ये सब notation से आप पहले से परिचित होंगे। Set of integer, इसके जो members होंगे वो क्या होंगे, -2, -1, 0, 1,
टू एंड सो ऑन। ओके, इस सेट पे हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेट एन बिलोंग टू एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या है? एक नेचुरल नंबर है। एन को हमने एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर लिया है, एन इज फिक्स्ड। एन क्या है? एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर है। लेट ए बी बिलोंग टू जेड। ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। हम कहेंगे कि ए और बी जो है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन है। ए एंड बी आर, ए एंड बी आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन if a and b are said to be congruent modulo n if a minus b, a minus b is divisible by n, is divisible by n। मतलब a minus b को जब आप n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? जीरो। इसका मतलब डिविजिबल होता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि a and b are congruent modulo n if a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। मतलब जब आप a माइनस बी को n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। एंड वी राइट इफ a एंड b आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n, इफ a एंड b आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n, देन वी राइट, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, देन वी राइट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। अच्छा, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, जब भी हम ये लिखेंगे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। जब आप ए में से बी को माइनस करोगे या बी में से ए को माइनस करोगे तो और एन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तब हम लोग ये लिखेंगे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। ओके, एक बात और भी आप यहाँ पे कह सकते हो कि a congruent to b modulo n, इसका मतलब क्या है कि a और b को जब हम n से डिवाइड करेंगे तो दोनों के दोनों क्या करेंगे? सेम रिमाइंडर देंगे। जब आप a और b को n से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? सेम रिमाइंडर मिलेगा। ओके, अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। नाउ वी डिफाइन, हम करना क्या चाह रहे हैं? अभी आपने को बताया हमने कि इस पर एक रिलेशन डिफाइन करेंगे और वो रिलेशन क्या होगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और इसके बाद से हम लोग किसकी बात कर सकते हैं? इक्विवेलेंस क्लासेज की। तो जितने भी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेज होंगे उनको कलेक्ट करके हम लोग एक सेट बनाएंगे, जिस सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं आज। वी डिफाइन ए रिलेशन on z as a related to b, a relation r on z as a related to b, a related to b if and only if a is congruent to b modulo n, ठीक है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट रिलेशन, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन रिलेशन। दिस रिलेशन यहाँ पे कंडीशन है, ए और बी कब रिलेटेड होंगे? जब ए कॉन्ग्रुएंट होगा बी के, ए कॉन्ग्रुएंट होगा बी मॉडुलो एन के। दिस रिलेशन इज कॉल्ड, देखो मैथमेटिक्स में दो बातें फंडामेंटल होती है, एक रिलेशन और दूसरा मैपिंग। ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, तभी आप आगे की बातों को समझ पाओगे। दिस रिलेशन इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस रिलेशन।
कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, एन को आप कुछ भी ले सकते हो, एन को क्या ले सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो। अच्छा, क्लियरली आपको ये दिख रहा होगा कि जो रिलेशन ने अपने यहाँ पे जो डिफाइन किया है वो रिलेशन क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना, प्रूफ करना होता है कि जितने भी इंटीजर्स होंगे वो खुद से रिलेटेड होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपने एक आर्बिट्रेरी इंटीजर लिया ए, तो आप लिख सकते हो ना ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन, क्योंकि जब आप ए में से ए को माइनस करोगे तो जीरो आएगा और जीरो डिविजिबल बाय एन होगा, इसका मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। इसी तरह से एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन सिंस ए माइनस ए इज जीरो विच इज डिविजिबल बाई एन। इसी तरह से आप रिलेशन को सिमेट्रिक दिखा सकते हो, दस आर इज रिफ्लेक्सिव, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद सिमेट्रिक के लिए आप क्या करते हो, लेट ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी मीन्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन, दिस इंप्लाइज बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एन, बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय एन। और इससे क्या साबित हो गया कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो n, दिस इंप्लाइज b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो n। इससे क्या साबित हो गया कि जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। इस तरह से आपने रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया और सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया। इसके बाद से आप ट्रांजिटिव की बात कर सकते हो। ट्रांजिटिव में आपको क्या मानना पड़ेगा, ले के चलना पड़ेगा ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, और प्रूफ करना होगा ए रिलेटेड टू सी होगा। लेट ए रिलेटेड टू बी मीन्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, एंड बी रिलेटेड टू सी मीन्स बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एन। अच्छा, दिस इंप्लाइज ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन, और यहाँ से बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय एन। तो दिस इंप्लाइज ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन इंप्लाइज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय a माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, ओके, एंड b कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो n, दिस इंप्लाइज b माइनस सी इज डिविजिबल बाई एन। देन देयर सम ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई एन, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, मतलब कि ए माइनस बी को एन से डिवाइड करोगे रिमाइंडर जीरो मिलेगा, इसको भी डिवाइड करोगे एन से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो। तो अगर इन दोनों को एन डिवाइड कर रहा है तो इनके सम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और इससे ये साबित हो जाएगी, दोनों से आपको ये मिल जाएगा कि दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी डिविजिबल है इनसे, बी माइनस सी है, दोनों का सम होगा, तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय एन। बी कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय एन, दिस इंप्लाइज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एन। इस तरह से आपने क्या देखा कि जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इसके बाद से हम लोग बात कर सकते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर सकते हैं। याद कीजिए इक्विवेलेंस क्लासेस, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड आउट करते हो, उस एलिमेंट से जितने भी एलिमेंट रिलेटेड हैं जिसकी आप क्लास फाइंड आउट करना चाह रहे हो, उस एलिमेंट से
उस सेट के जितने भी एलिमेंट रिलेटेड होंगे उनको कलेक्ट करके हम लोग एक सेट बनाएंगे। जैसे मान लो आपने लिया लेट ए बिलोंग टू जेड। ए क्या है? एक इंटीजर है। ए की क्लास को हम लोग क्या करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं। और इसमें कौन आएंगे? इंटीजर्स आएंगे। एक्स बिलोंग टू जेड, क्योंकि रिलेशन आपने इंटीजर सेट पे डिफाइन किया है, सच दैट ए से रिलेटेड हैं जो एक्स, उनको हमें कलेक्ट करना है। दोज एलिमेंट्स ऑफ जेड विच आर रिलेटेड टू ए। ओके, अब इस तरह से हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट की क्लास निकालेंगे। जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जीरो की क्लास में आप देखिए, यहाँ पे जीरो की क्लास में कौन एलिमेंट आएंगे? जो एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट एक्स जो रिलेटेड होगा, ए रिलेटेड टू एक्स मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मॉडुलो एन, मतलब कि एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस ए इज डिविजिबल बाई एन, और यहाँ पे ए कौन है? जीरो है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? जीरो। अब देखो यहाँ पे x माइनस जीरो इज डिविजिबल बाई n, तो फिर x पे कंडीशन क्या होनी चाहिए? x माइनस जीरो क्या होगा? x माइनस जीरो x होगा, और x कब डिविजिबल होगा n से? जब वो n का मल्टीपल होगा, मतलब कि आपको यहाँ से क्या मिल गया, n times z का मतलब क्या है कि सेट ऑफ इंटीजर में, देखो सेट ऑफ इंटीजर है ना ये, इसमें एन जेड का मतलब क्या होगा कि आप जितने भी एंट्री जितने भी एलिमेंट है इसमें सब में एन से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा माइनस टू एन, यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस एन, और फिर जीरो, यहाँ पे एन और टू एन, और ये सब के नंबर वो इंटीजर्स हैं जो एन के मल्टीपल में हैं, क्योंकि एन के मल्टीपल में जितने नंबर होंगे उनको एन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? जीरो। एन जेड हमने देखा, आपने देखा यहाँ पे कि एन जेड क्या है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम टू जेड कहें, थ्री जेड कहें, फोर जेड कहें, तो जेड के एलिमेंट में आपको क्या करना है, जब टू जेड कहेंगे तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री जेड कहेंगे थ्री से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, ये सेट क्या हो गया? एन जेड मतलब कि वो इंटीजर्स हैं इसमें जो एन के मल्टीपल में हैं। ओके, एन के मल्टीपल में हैं। इसी तरह से आप वन की क्लास निकालो, वन की क्लास इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें वो इंटीजर्स आएंगे सच दैट जो वन से रिलेटेड होंगे, सच दैट एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडुलो एन। अब देखो, हमने दो बातें आपको पहले कही थी कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि x माइनस वन इज डिविजिबल बाई n, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब आप x को n से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर मिलेगा वही रिमाइंडर मिलेगा जब आप 1 को n से डिवाइड करोगे, मतलब कि जब आप x को n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप ये बताओ कि वो इंटीजर बताओ जिनको n से डिवाइड करेंगे जिस रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो आप ये जो सेट आपको मिला था उसमें क्या करते जाओगे? 1 जोड़ते जाओगे। जैसे आपने देखा कि n को डिवाइड करोगे n से तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो रिमाइंडर हमें 1 चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? 1 सम करना पड़ेगा, तो सम में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, तो आपको ये सेट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? सेट क्या मिलेगा? एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू एन जेड प्लस वन। ओके, एन जेड प्लस वन। इस सेट में क्या कर दिया आपने? हर एलिमेंट में 1 सम कर दिया, एन जेड प्लस वन। एन जेड मतलब कि ये सेट, और इसमें 1 सम कर दिया। ओके, इसी तरह से आप सबकी क्लास निकालते जाओगे। फाइनली हम निकाल रहे हैं n माइनस वन की क्लास। n माइनस वन की क्लास में वो इंटीजर्स आएंगे जो क्या होंगे? n माइनस वन से रिलेटेड होंगे, सच दैट x इज कॉन्ग्रुएंट टू n माइनस वन मॉडुलो n, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पर रिमाइंडर क्या चाहिए? n माइनस वन चाहिए रिमाइंडर, तो वो इंटीजर को कलेक्ट करना होगा जिसको डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा? n माइनस वन रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है।
अच्छा, इक्विवेलेंस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर रहे हैं आपके लिए। जैसे मान लो कि आप ये जानते हो ना, ए की क्लास इज इक्वल टू बी की क्लास, अगर दोनों क्लासेज इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए रिलेटेड होगा बी से, ए रिलेटेड होगा बी से, और कन्वर्स भी सही होता है। ए की क्लास इज इक्वल टू दो क्लासेज अगर बराबर है, इसका मतलब कि दोनों एलिमेंट क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। और इसके अलावा एक बात और भी कह सकते हैं कि जो दो क्लासेज होती हैं या तो वो इक्वल होंगी या तो डिसजॉइंट होंगी। दो क्लासेज हैं या तो इक्वल होगी या तो डिसजॉइंट होंगी, और कोई भी क्लास जो होगा वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये जो तीन बातें हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, आपको हमेशा इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम देखना ये चाह रहे थे कि कितने डिस्टिंक्ट क्लासेज मिले। जैसा कि लेंगे इन माइनस वन तक हमने फाइंड आउट किया है। जैसे आप यहाँ पे एक सेट बनाइए क्लासेज की, जीरो की क्लास हमने फाइंड आउट किया, और जीरो की क्लास में वो एलिमेंट आएंगे, वो इंटीजर्स आएंगे जो कि जीरो के कॉन्ग्रुएंट होंगे। जीरो के कॉन्ग्रुएंट कौन होंगे, जो जीरो रिमाइंडर देंगे जब हम क्या करेंगे, उनको एन से डिवाइड करेंगे। इसके बाद से वन की क्लास होगी, टू की क्लास होगी, और एंड सो ऑन एन माइनस वन की क्लास होगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए एन की क्लास। अब एन की क्लास किसके बराबर होगी, अब अगर आप यहाँ पे देखें n जो है n की क्लास 0 की क्लास के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने जो कंडीशन आपको बताया यहाँ पे कि a अगर रिलेटेड है b से, इसका मतलब क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ a की क्लास इज इक्वल टू p की क्लास। तो आप यहाँ पे देख सकते हो n इज रिलेटेड टू 0, सिंस n इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो n, n इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो n। n माइनस जीरो इज डिविजिबल बाई n, इसका मतलब क्या है कि n और 0 क्या हैं, रिलेटेड हैं, तो उनकी क्लासेज भी क्या होंगी, इक्वल होगी। इसका मतलब कि जो n की क्लास होगी वो किसके क्लास के बराबर होगी, 0 की क्लास के बराबर होगी। तो क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट क्लासेज चाहिए, हम लोग एक सेट बनाना चाह रहे हैं, तो n की क्लास को यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर आइए, n प्लस वन की क्लास किसके क्लास के बराबर होगी, हमारा कहना है कि ये 1 के क्लास के बराबर होगी, क्योंकि अगर आपको देखना ये है कि n प्लस 1 ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 1 मॉडुलो n के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि n प्लस 1 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, n, और वो n क्या होगा, n से डिविजिबल होगा। तो n प्लस 1 की क्लास जो होगी वो 1 के क्लास के बराबर होगी। बिल्कुल इसी तरह से आप चलते जाएंगे, n प्लस 3 की क्लास होगी, 3 की क्लास के बराबर होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो निगेटिव साइड में इंटीजर्स हैं, जैसे माइनस वन है, तो माइनस वन को अगर आप n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, माइनस वन को n से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या ले जाएंगे आप, माइनस वन ले जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n होगा, और यहाँ पे माइनस होगा, साइन प्लस हो जाएगा, फिर तो n माइनस वन हो जाएगा, n माइनस वन रिमाइंडर होगा जब माइनस वन को आप n से डिवाइड करोगे। तो जो माइनस वन की क्लास होगी, माइनस वन की क्लास किसके क्लास के बराबर होगी, n माइनस वन के क्लास के बराबर होगी, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि माइनस वन और n माइनस वन क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। ये कैसे दिखा सकते हो कि आप एक साइड माइनस वन लिखो और इधर क्या लिखो, n माइनस वन लिखो, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि आप इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा, माइनस वन माइनस n प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस एन, और माइनस एन डिविजिबल होगा एन से। इसका मतलब कि माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन माइनस वन, दो एलिमेंट रिलेटेड है तो उनकी क्लासेस क्या होगी, इक्वल होगी। तो माइनस वन की क्लास जो होगी वो अलग नहीं होगी, एन माइनस वन के क्लास के इक्वल होगी। इसी तरह से आप ये प्रूव कर सकते हो कि माइनस टू की क्लास जो होगी एन माइनस टू की क्लास के इक्वल होगी, एंड सो ऑन। इस तरह से आपने देखा कि टोटल जो हमें डिस्टिंक्ट क्लासेस मिलेंगे वो इतने मिलेंगे। इस डिस्टिंक्ट क्लासेस को कलेक्ट करके जो हमने सेट बनाया है, इस सेट को हम लोग इस तरह से इस सिंबल से डिनोट करेंगे, जेड एन से। ठीक है, यही इस सेट
के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे, और ये सेट कैसे मिला हमें, सेट ऑफ इंटीजर पे हमने रिलेशन डिफाइन किया, जो रिलेशन क्या निकला, इक्विवेलेंस रिलेशन निकला, और जितने भी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेज हैं उनको कलेक्ट करके हमने एक सेट बनाया जिसको डिनोट किया हमने ZN से। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि फील्ड में जो एक एग्जाम्पल है फील्ड का वो है ZP। अब करना ये है कि यहाँ पे जो हमने N रखा था, N एक नेचुरल नंबर था, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब हमें क्या करना है, N को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करके किसी प्राइम नंबर से रिप्लेस करना है। जैसे कि मान लो कि P कोई प्राइम नंबर है, P कोई एक प्राइम नंबर है, तो ZP से डिनोट करेंगे। और ZP क्या है, फिर से वही सेट ऑफ इंटीजर, और सेट ऑफ इंटीजर पे आप रिलेशन डिफाइन करोगे, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो P रिलेशन डिफाइन करोगे, फिर से वो इक्विवेलेंस क्लासेज होगा, और जिससे कि आपको जो टोटल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेज मिलेंगे वो कितने होंगे, पी क्लासेज होंगे, पी माइनस वन यहाँ पे रहेगा, पी डिस्टिंक्ट क्लासेज होंगे। ये इस तरह से आपको ये सेट मिला। तो इस तरह से आपने आज ये देखा कि जो फील्ड का एग्जांपल है ZP को एज ए सेट हमने समझा, एज ए सेट समझा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आगे की बातें करेंगे कि कैसे प्रूव किया जाए, कि पहले तो फील्ड को समझना पड़ेगा, उसके बाद से हमें ये देखना पड़ेगा कि सेट पे कैसे हम लोग ऑपरेशन डिफाइन करें, जिससे कि चाहते हैं हम लोग ये हैं कि सेट पे हम लोग एरिथमेटिक कर सकें, मतलब एडिशन डिफाइन करें, और उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करें, जिसको आगे चल के हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन की बात जब करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एडिशन मॉडुलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन की बारे में। अच्छा, इस तरह से आपने देखा कि आज हमने ये बताया कि इस पेपर में आपको जो टॉपिक डिस्कस करने हैं, जिसमें वेक्टर स्पेस था, इसके बाद से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, मैट्रिसेस था, उसके बाद से इनर प्रोडक्ट स्पेस था, बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म था, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। लेकिन वेक्टर स्पेस जो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसको कम्प्लीटली समझने के लिए हमें ज़रूरत है फील्ड और ग्रुप को समझने के लिए, ग्रुप और फील्ड को समझने के लिए। और ग्रुप में हमें बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर फोकस करना है चार एग्जांपल में, जैसे कि हमने बताया कि फील्ड ऑफ रेशनल नंबर था, फील्ड ऑफ रियल नंबर था, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। ये तीनों के तीनों इनफाइनाइट ऑर्डर के फील्ड हैं, जिसमें से एक फाइनाइट ऑर्डर का फील्ड है ZP, और ZP के को आज हमने एज ए सेट समझा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप क्या होता है, और ग्रुप के बाद हम लोग फील्ड की बात करेंगे, उसके बाद से वेक्टर स्पेस पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।